ते धान एंटर करा ले फिर एक एक महीना नो आले ने बे बे महीना नो तू ने लियो कौन के कई नो ने के हमारा खेती रो टाइम से एक दिन अंगोठी नहीं लागे बीजे दिन नहीं लागे तीसरे दिन लागे फिर सोते दिन धान मले तो भी एक महीना नो मले तो एक महीना नो फिर बकाये जो धान जाएगा और एक एक पोटली गहू नहीं झेली एक सोका नहीं झेली बे किलो ओसु पड़े ते वो सुकर ही देते पड़ा ही मार जा बे महीना थी गया मेरे को एक महीना का सब्जा है आदमी मारेगा तो 70 किलो मिला 70 किलो कहाँ गया भाई अंगूठी दवार लेन दस्कर करा लेन कि दे के धान तमार आवे तेरे मुँह लिए कहती आलिए हम था धान तही आवे ने कहा आलिए कि दे महीना तीन तीन महीना धान मिली नहीं मैंने एक एक महीना धान खाली आई एंट्री करा समस्या ये है कि कल ही ये लोग अनाज लेने आए थे दो दो महीने का ये लोगों का अंगूठी और सिग्नेचर जो होता है वो करवा लिया गया है और अनाज इनको एक एक महीने का दिया गया है इसीलिए ये लोगों ने फोन करके बताया है कि हमको एक एक महीने का अनाज दिया है कि हमको बुलाया गया कि हमारी ये समस्या है कि हमको अनाज दो दो महीने का अंगूठी लगवा दिया और एक महीने का अनाज दिया है इसलिए हम आए उनकी समस्या जाने हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि इनका दो दो महीने का जो अनाज रुका हुआ है इनको विधिवत दिलवाया जाए ताकि इस तरह की हमेशा ही इनकी ये समस्या रहती है तो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अभी काम करते हुए लोग बड़ी समस्या से समय निकाल के आते हैं और इनसे इस तरह से सिग्नेचर करवा के भ्रष्टाचार किया जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इनको अनाज दिलवा जाए। हमने इनके जो अधिकारी हैं पाटिल सर से बात हुआ है, उन्होंने बताया है कि हम कोई अधिकारी को भेज रहे हैं जाँच के लिए। तो अभी तक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बताया गया कि कल उचित मूल्य दुकानों से शिकायत मिल रही है, आप जाकर वहाँ देखिए क्या स्थिति है। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर मैं उचित मूल्य दुकान कल्लीपुरा पहुँचा। मौके पर लोगों की भीड़ अत्यधिक होना पाई गई और लोगों के बयान लेना चाहे परंतु वहाँ पर राजनीतिक द्वेष भावना के चलते आपसी रंजिश से दोनों पक्षों के बीच विवाद और पथराव की स्थिति पैदा हुई जिस कारण से वहाँ पर लोगों से कथन नहीं लिए जा सके। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि वहाँ पर क्या स्थिति है। हमने वस्तु स्थिति की रिपोर्ट बनाकर माननीय कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को प्रस्तुत की गई है।